राजस्थान के 6 जिलों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा चुकी हैं। चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे थम जाएगा। उम्मीदवार अपने वोटरों से वोट के लिए घर घर जाकर जनसंपर्क करने में जुटे हैं। चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 3 चरणों में जिला परिषद के सदस्यों के लिए 653 उम्मीदवार और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 5173 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 1 जिला परिषद सदस्य और 26 पंचायत समिति सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग की ओर से चुनाव प्रचार में ज्यादा समर्थकों को साथ ले जाने की मनाही है। पंचायत चुनाव में कोविड को देखते हुए उम्मीदवार अपने प्रचार में 5 लोगों से ज्यादा नहीं ले जा सकते। अगर ज्यादा भीड़ लेकर वोट मांगने पहुँचे तो चुनाव आयोग का डंडा चल सकता है और उम्मीदवारों के पास आयोग का नोटिस भी आ सकता है। कई उम्मीदवार कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे और प्रचार में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ वोट मांगने पहुंच रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों की पहचान कर उनसे रिपोर्ट तलब कर रहा है। पंचायत चुनाव जयपुर, भरतपुर, दौसा, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही जिले में हो रहे हैं। इनमें पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के लिए वोट डाले जाने हैं। मतदान 26 अगस्त, 29 अगस्त और 1 सितंबर को 3 चरणों में करवाए जा रहे हैं। इसके बाद 4 सितंबर को संबंधित जिला मुख्यालयों पर काउंटिंग होगी। जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव 6 सितंबर को चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक ही होगा और उप प्रमुख, उप प्रधान का चुनाव 7 सितंबर को होगा। इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। 6 जिलों की बात करें तो पंचायत चुनाव में 77,94,000 से ज्यादा वोटर हैं। 200 जिला परिषद सदस्य, 1,564 पंचायत समिति सदस्य, 6 जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख का निर्वाचन, 78 प्रधान और उप प्रधानों का भी चुनाव होना है। चुनाव आयोग की ओर से मतदान को लेकर तैयारियां पुख्ता हैं ताकि कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ निष्पक्ष मतदान करवाए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।